सूर्य एक ही होता है, हो सकता है कोई सूर्य के तरफ मुख करके खड़ा हो और कोई सूर्य के तरफ पीठ करके खड़ा हो, लेकिन सूर्य की जो चेतना होती है वो सभी के लिए होती है, वो जो प्रकाश है वो सभी के लिए है। कोई दायरा नहीं है, सीमा नहीं है, ये भी नहीं है कि कौन मेरा है कौन पराया है, कौन मुझे स्वीकार करता है कौन मुझे स्वीकार नहीं करता है। जहां तक भगवान बुद्ध की बात है, जो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, मैं अलग विचारधारा से आता हूं लेकिन उसके बाद भी मैं खुद एक साधक हूं, लेकिन मैं साफ लफ्जों में कह दूं बौद्ध धर्म मैंने अपनाया नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जो चेतना प्राप्त हुई है, जो कुछ भी जीवन में उपलब्धियां मिली हैं, पिछले 16 वर्षों से मैं हरिद्वार में साधना करता हूं, और जो कुछ भी पाया है वो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की ही वही प्रेरणा है जिसके माध्यम से मुझे भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने जो प्रयोग किया था मानव को महामानव बनाने का, एक ऐसा प्रयोग जहां कहीं केंद्र है, जो दूसरे भी धर्म या जो कुछ भी हैं वो केंद्र किसी और को मानते हैं, किसी और को मानते हैं, कोई और है जो हमसे परे है, कहीं और बैठा हुआ है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि जो कुछ भी है वो तेरे अंदर ही है, तुम ही हो, यानी तुम खुद ही अपने आप में एक प्रयोगशाला हो, तुम्हें कहीं और जाने और ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। अपने आप को जलाओ, अपने आप को जगाओ, अपने अंदर की ज्योति को जलाओ। जो मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाली बात थी वो भगवान बुद्ध की यही थी, ये धरती एक ऐसी पावन भूमि है कि जब कभी भी मैं यहां आता हूं तो मुझे सोचकर मेरे अंदर एक उमंग सी ऊर्जा सी जागृत हो जाती है, जब मैं सोचता हूं कि यही हवाएं जो आज मेरे तन वदन को छू रही हैं कभी बुद्ध को भी छुई होंगी, यही धरती यही मिट्टी कभी उनके चरण पड़े होंगे बुद्ध के, यही धरती कभी किसी ने बुद्ध की आवाज को सुना होगा। बुद्ध की आवाज कहते हैं, विज्ञान ने भी माना है कि आवाज ये ध्वनि कभी खत्म नहीं होती है, अगर कोई ऐसे विकसित यंत्र आ जाए तो शायद कहीं बुद्ध की आवाज हम भी सुन पाए इस धरती पे। मुझे फक्र होता है अपने आप को सोचकर कि ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी, जो पूरे मानव को एक साधारण से मानव को महामानव बनाने की क्षमता रखने वाले हैं, वो इस धरती पे आए हैं, इस धरती पे आकर, और इस धरती पे उन्होंने अपने आप को छोड़ा है, शरीर को छोड़ा है,